हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ब्लॉग्स में आपको कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं, तो फिलहाल अभी चल रहा है गर्मियों का सीजन। और अगर अब बात करूं तो इतनी तेज धूप में तो हमारा जाना पॉसिबल नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं जाना मतलब बीमार होना, तो फाइनली हमने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखते रहते हैं और हम आपको घर पे ही अच्छी अच्छी चीजों का एटलीस्ट विजिटिंग भी कराते हैं। विजिटिंग इन द सेंस कि हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत मस्ती करना, खाना पीना, तो उससे रिलेटेड आज एक्चुअली सात्विक और सात्विक के फादर ने बोला कि हमें भूख नहीं है, कुछ स्पेशल खिलाओ, कुछ चटपटा खिलाओ यूपी स्टाइल में। तो फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ हमारे यूपी की स्पेशल टिकिया, जो कि है मामा भांजे की टिकिया थी, जो हम लोग की बहुत फेवरेट थी। जब हम इलाहाबाद में थे तो बहुत खाते थे, तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं वैसा ही बनाने के लिए। आई होप सो बन जाए। तो चलिए आइए बनाते हैं मामा भांजे की टिकिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो पेस्ट है ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है तो आप देखेंगे। इसमें 1 स्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं चाट मसाला। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी टिकिया में। और इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉर्नफ्लोर या बाकी सारी चीजें क्यों नहीं ऐड की हैं? उसका एक रीजन है क्योंकि चावल के आटे से ना ये बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आता है और क्रिस्पीनेस के साथ साथ में एक अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये साध्विक ने बिल्कुल ठीक बोला, नमक स्वाद अनुसार, जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो वैसा ही नमक आप ऐड करें। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मामा भांजे की टिकिया बनाने के लिए फिलहाल ले लिया है मैंने पोटैटो यानी बॉइल्ड पोटैटो लिया हुआ है। उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी आपकी फाइन चॉपिंग किए हुए अनियन। ओए चुप हो जा यार, बदमाश रही है ये। और साथ साथ में हमने ले ली है बड़ी वाली मिर्च। एक्चुअली जो बड़ी वाली मिर्च होती है स्पाइसी भी नहीं होती और ये टेस्टी भी होती है खाने में, तो एक शिमला मिर्च का फ्लेवर आ जाता है। तो हमने डाली है बड़ी मिर्ची। और साथ में मैं धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ, मैं पुदीना डाल रही हूँ, क्योंकि वो पुदीना डालते थे और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता था। तो मैं चॉप करके इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हमारा पेस्ट हो गया है रेडी और हम इसकी बना लेंगे गोल गोल टिक्की। और फिर एक्चुअली आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करूंगे जैसे कि इलाहाबाद में बनता है। तो चलिए, हमारा तेल गर्म हो गया और इसको हम स्लो आंच पर। हाँ भाई हाँ, ये देखो लड़का, इसको बड़ा कमेंट्री शुरू हो रही है। सात्विक, सात्विक हाय बेटा। हाय पापा। क्या बन रहा है सात्विक? रोल रोल पकौड़ी नहीं बन रही है क्या? आलू टिक्की। मामा जी की आलू टिक्की। क्या बना रही है मामा? मामा जी की आलू टिक्की। हाँ, बहुत टेस्टी होगा ये देख। तो दोस्तों, आपको राजस्थान में ये स्पेशल टिकिया खाने को तो नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड सिर्फ कचौड़ी, समोसे और यही सब है। लेकिन हम घर में इलाहाबाद की फीलिंग तो लेके आ ही सकते हैं। तो फाइनली आज स्पेशल आलू टिक्की के साथ साथ में सरप्राइज आती है पानी पूरी। पानी पूरी मामा का पानी पूरी। ओके, तो मामा भांजे की हम स्पेशल टिकिया के साथ साथ में पानी पूरी भी फ्लेवर टेस्ट करेंगे। हालांकि पूरी हमारी रेडी हो गई है, मसाले भी हमने रेडी कर लिए थे, हम प्लेटिंग के टाइम में आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो एक्चुअली हमें जो फ्राई करना है ना, ये सैलो फ्राई कर रहे हैं, पर इनमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ना, आप इसको फास्ट मत करना, क्योंकि इसमें चावल का आटा है और बहुत जल्दी जलने लग जाता है
और अंदर से इसकी कुकिंग वो अच्छे से पके इसके लिए आपको स्लो स्लो में ही पकाना पड़ता है। और इसको जब तक नीचे से बिल्कुल ब्राउनिश कलर नहीं हो जाएगा तब तक आप इसे चेंज भी मत करिएगा, यानी पलटिएगा भी नहीं। और ठीक है, हमारा रेडी होता है, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी टिकिया बनके तैयार होती है। दोस्तों तो फाइनली हमारी एक तरफ से तो टिकिया पक गई थी बिल्कुल, देखिए आप ब्राउन कलर की हो गई थी, देन मैंने पलटी कर ली है, वापस इतना ही ब्राउन करेंगे जिसमें इसमें अच्छी खासी क्रिस्पनेस आ जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेस और बचा हुआ है तो बाकी टिकिया भी हम डालते रहते हैं ताकि ये पकता रहे। दोस्तों तो टिकिया के साथ पानी पूरी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो फाइनली मैंने पानी पूरी की सारे आइटम रेडी कर दिए हैं। और ये देखिए हमारे गोल गोल पूरी, गोल गोल पूरी चाहिए। और ये मैंने इसका पेस्ट भी रेडी कर दिया है और साथ साथ में पानी भी है। पानी को थोड़ा हम फ्रीज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा चिल्ड हो जाए तो खाने में बोलते ना अलग ही मजा आएगा। और इसके साथ साथ में हम लोग टिकिया भी रेडी करेंगे आपको बिल्कुल इलाहाबादी स्टाइल में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हमारी टिकिया ऑलमोस्ट रेडी हो ही रही है, बस आप थोड़ा क्रिस्पीनेस और आ जाए तो इसको हम यम यम गम यम करके खाएंगे, है ना। और साथ साथ में आप देखेंगे मैंने मीठी चटनी रेडी कर दी है आपकी, जो कि हमारे टिकिया की जान होती है मीठी चटनी, तो वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। और साथ साथ में हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है, ग्रीन चटनी ये देखिए, ये देखो। और इसके साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो प्लेटिंग के टाइम हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजों से हम इसको डेकोरेट करते हैं और एक टेस्टी फ्लेवर लेके आते हैं आपके टिकिया में, और साथ साथ में यम्मी यम्मी पानी पूरी। पानी पूरी दो दादी को दे दो, ये ले लो, ये खा लो, पापड़ी खा लो, रोल रोल वाला चाहिए। पानी पूरी क्यों खाते हो, चोरी चोरी लाओ, मीठा लगा दो, मीठा लगा दो, मीठा लगा। तो फाइनली हम सात्विक के लिए पानी पूरी बना ही देते हैं, और ये देखो, और इसमें हम डाल देते हैं इसका मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी चटनी। दोस्तों ये मीठी चटनी मैंने इमली की बनाई हुई है क्योंकि टिकिया में जो है ना इमली की चटनी ज्यादा टेस्टी होती है, तो फिलहाल मैंने उस हिसाब से बनाया। देखते हैं सात्विक का क्या रहता है रिएक्शन। यम्मी या पापा को बोलो कैसा है, कैसा अच्छा है, यम्मी है। फोटो बना रहे हैं, बना रहे हैं या आ करो, आ कर खाओ, चूस रहे उसे जूसेस को। हे दोस्तों तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेटिंग। तो मैंने डाल दिया है टिकिया, और ये देखिए टिकिया कितना क्रिस्पी हुआ है, और आपको दिखाऊं तो देखो आवाज भी आ रही है आपकी क्रिस्पीनेस की, अच्छा खासा हुआ है कुरकुरा। और इस पे हम डालते हैं चटनी, जो फ्लेवर इसका आता है ना करके बहुत ही टेस्टी आता है। और साथ में मैं डालती हूँ मीठी चटनी, चटनी और डालो चटनी को, और डालो चटनी को। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो ऊपर से अनियन, और थोड़ी सी दही, थोड़ी सी दही होती है हल्का सा, वैसे आप चाहो तो डालो या नहीं डालो, हल्का सा चाट मसाला, चाट मसाला। बाकी चीजें मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना अच्छा फ्लेवर इसका बनाया हुआ है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए, और
ये हल्की सी भुजिया, एक अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और साथ में वापस अगेन खट्टी मीठी चटनी। तो दोस्तों हमारी टिकिया हो गई है रेडी। तो दोस्तों हमारा ये क्रिस्पी चाट बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अभी खा के देखो, खाती खाओ लो। अच्छा भाग गया। वाह सुपर डिलीशियस कहते ना कि आप घर पे भी किसी भी एरिया का फ्लेवर लेके आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हो। तो दोस्तों फाइनली हमने अपने इलाहाबाद की जो मिस कर रहे थे टिकिया खाने के लिए, तो फाइनली वो हमने बना ली है और बहुत ही टेस्टी बन गया है दोस्तों। और साथ साथ में हम रेडी करेंगे अपनी पानी पूरी ताकि हम पानी पूरी भी खाएं। तो चलिए खाते हैं टिकिया, आलू टिकिया एंड पानी पूरी। हे दोस्तों तो फाइनली हमारी पानी पूरी भी रेडी हो गई है। तो चलिए आइए देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी बनी हुई है हमारी डिलीशियस पानी पूरी। तो ये रहा पानी पूरी का फिलिंग जो मैंने फिल कर लिया है और अब इसमें डालते हैं टेस्टी टेस्टी पानी पूरी। नाउ टेस्ट करते हैं कैसा बना है। दोस्तों पानी का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, एक्चुअली इस पानी में मैंने पुदीना फ्लेवर बनाया हुआ है, इमली का पानी है पुदीने के फ्लेवर में। और ये बोलते हैं ना कि अल्टीमेट जो फ्लेवर आता है वो डेफिनेटली आता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था पानी पूरी का लॉकडाउन के टाइम में, जिसमें मैंने आम का यूज किया हुआ था, पर इस बार मैंने इमली का यूज किया हुआ है और एक्चुअल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो आइए इंजॉय करते हैं हमारी डिलीशियस पानी पूरी। तो दोस्तों आज का हमारा ये आलू टिक्की और पानी पूरी का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।